मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रोकथाम के साथ रोजगार सृजन समेत अन्य विषयों को लेकर बनाई गई मंत्री समूह की बैठक ली। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश कोरोना के रोकथाम के साथ प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक ली है। हमारे प्रदेश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शहरी क्षेत्र में जितनी भी शॉप है, हम इस तरह का सिस्टम तैयार करें कि अंदर भीड़ ना हो, क्रम से लोग जाएं, एक कस्टमर जब बाहर आए तभी दूसरा जाए, वही व्यवस्थाएं बनाने का काम हम करेंगे। मंत्रियों के समूह की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। अभी कोविड अनुकूल व्यवहार समिति की बैठक हुई है और इसमें हमारे देश के नागरिकों का कोविड के अनुकूल व्यवहार हो, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और इसमें प्रमुख रूप से ये निश्चित हुआ है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में जो ये जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पर हम इस तरह का सिस्टम करें कि अंदर भीड़ ना हो, क्रम से लोग जाएं, या तो कूपन सिस्टम हो, एक कस्टमर जब बाहर आ जाए तब दूसरा जाए, इस तरह से शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्था हम लोग बनाने का काम करेंगे और जो व्यापारी इस व्यवहार के अनुकूल काम करेंगे उनको नगदी प्रशासन विभाग सम्मानित करने का काम भी करेगा। एक तो ये हम लोगों ने तय किया है, दूसरा रोको टोको अभियान भी चलेगा, मास्क लगाकर लोग निकले, इसको लेकर भी ये रोको टोको अभियान चलेगा, इस पर भी चर्चा हुई है। कुल मिलाकर कोविड अनुकूल व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, इसको लेकर इस पर विस्तार से चर्चा हुई।